लॉकडाउन के दूसरे चरण में गुरुवार को महानगर के सभी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान शहर में अन्य शहरों से आ रही गाड़ियों का नंबर नोट किया गया और यात्रियों का पास मास्क चेक करने के बाद थर्मल स्कैनिंग की गई और अनावश्यक घूम रहे लोगों को पुलिस द्वारा एक एक मीटर की दूरी के घेरे में बैठा कर सजा दी गई और सबसे लॉकडाउन का पालन करने की बात कही गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ASP विकास कुमार और SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले, अनावश्यक घूमते हुए पाए जाएंगे आपके घर से बाहर ना निकले, अनावश्यक घूमते हुए पाए जाएंगे आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या है आपके पास, क्या देख रहे हैं, कहाँ दवा है, दवा का पर्ची कहाँ है आपका, बरगदा बहुत ही मुख्य चौराहा है, ये शहर में घुसने का रास्ता है और यहाँ देख रहे हैं तीन मुख्य सड़क है, तो हम लोगों ने काफ़ी पुलिस फोर्स लगा रखा है ताकि यहाँ लॉकडाउन का पालन बहुत सही तरीके से हो पाए और किसी तरफ से आने वाली गाड़ियाँ वो शहर के अंदर आ रही हों या शहर के बाहर जा रही हों, उनको DM साहब दिशा निर्देश में जो दिया गया बात है उसके मुताबिक चेक करके ही छोड़ा जा रहा है। किसी को बिना ID कार्ड देखे हुए नहीं छोड़ा जा रहा है और जो बिना मतलब के घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनका चलान किया जा रहा है। सर, जो दुकानें हैं कुछ इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ ओवर रेटिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं? जी, हम लोग जो जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन मिल रहा है उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके ऊपर मुकदमा लिख रहे हैं और हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कहीं ना हो पाए। और जनमानस से मेरी ये अपेक्षा है कि जहाँ भी ऐसा हो रहा है वो मेरे मोबाइल नंबर 9454435508 पे मुझे सूचना दे ताकि इसके
लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके। दुकानदारों को कुछ हिदायत दिए हैं? हाँ, दुकानदारों को ही मैंने हिदायत दिया है कि वो ऐसा ना करें। लॉकडाउन में ये देश के ऊपर विपत्ति है और विपत्ति को मिलकर लड़ें और किसी कोई इस विपत्ति का विपरीत फायदा ना उठाएं। नहीं, लोग काफ़ी जागरूक हैं, काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। जो सप्लाई चेन से रिलेटेड लोग हैं वही बाहर आ रहे हैं, तो अच्छी स्थिति है। मगर तब भी लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि और बेहतर स्थिति में। सर, कुछ लोग तो पुलिस द्वारा बैठाया जा रहा है घेरे में, इसके संबंध में? नहीं, जहाँ कहीं भी ऐसा पाया जा रहा है कि वो बिना पास के बिना किसी काम के बाहर हैं, उनको घेरे में बैठा के फिर थाने ले जाके उनके विरुद्ध लगाने कर रहे थे। सर, आपके द्वारा भाई जो लगातार लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, मास्क का प्रयोग करें।